जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों बहुत दिन में बोल रहा था मुझे ट्रेनिंग में सर क्या क्या चीज़ होता है। देखो दोस्तों, आपको बीम किस में मारना पड़ेगा, रसा किस में चढ़ना पड़ेगा, गड्ढा कितना बड़ा है, आज इसके बारे में दिखाऊंगा। और आपको प्रैक्टिकल मतलब क्या है दिखाऊंगा। मैं तो करूँगा नहीं अभी, क्योंकि थोड़ा सा पीटी ड्रेस में नहीं सिविल ड्रेस में हुआ संडे है, और इसलिए आप लोगों को सिर्फ मैं आज दिखाता हूँ कैसे आपको बीम का कैसे चीज़ रहेगा। देखिए ये है बीम, बीम देखिए इसमें बीम मारना पड़ेगा आपको, अच्छे से मैं दिखाता हूँ, रुकिए। देखिए दोस्तों ऐसे ग्राउंड में रहेगा, और ये है बीम, बीम जो देखा है ना इसमें बीम मारना पड़ेगा आपको, ये देखा होगा आपको, इसमें बीम से बीम आठ बीम आपको कैसे मार से आप प्रैक्टिस करते रहना इसमें। देखिए ये है बीम, बीम मारने के लिए लोहा का है, ये जो है देखिए लोहा वाला है, और इसमें आपको बीम लगाना, और ये रसा है। और दोस्तों देखिए ये है रसा, रसा सर दोस्तों ये है रसा, रसा चढ़ना पड़ेगा आपको, ये जो देखिए कितना मोटा रसा है, ये देखिए इसमें आपको गाँठ इसमें पाव रखना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे चढ़ना पड़ेगा इसमें, देखिए ऊपर तक जाना पड़ेगा ऐसे, कि इसमें आपको मतलब एक्सीलेंट मार सकते कैसे आपको वो भी बाद में बताऊंगा मैं। देखिए और दोस्तों आप लोगों को दिखा दिया है मैं, ये जो बीम, बीम इसमें मारना पड़ेगा आपको, क्या प्रैक्टिस करना जा रही है। देखिए घर में किसी को नहीं आता, कोई एक्सरसाइज करके आता है, कोई एक्सरसाइज करता नहीं, इसलिए दोस्तों क्या आपको बताना चाहता हूँ, आप घबराना नहीं है, बीम आपसे भी हो जाएगा। दो बार में मार दीजिए, एक दिन में नहीं होगा तो तीन बार लगा देना, उसके बाद पुशअप मारते रहना, पुशअप मारने से आपका क्या है स्टेमिना आ जाएगा, पावर आ जाएगा, तब आप बीम आराम से मार सकते हैं और रसा भी चढ़ सकते हैं। जब बीम मारने के लिए ताकत होगा तब आप रसा भी चढ़ जाएगा, और मान की रो भी डर नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, वही था। और दोस्तों ट्रेनिंग जैसे मैं दिखा दिया, इसका भी आपकी मार्क रहता है, जैसे बीम का आपको मैं बोला था मिनिमम सिक्स बीम लगाना पड़ेगा आपको पास करने के लिए, और एक्सीलेंट होगा तो आपको दस ना बारह था, मैं भूल गया हूँ, मैं भी एक्सीलेंट मारा था और आप भी मारेंगे, क्योंकि इतना कुछ नहीं है इसमें, आप सिर्फ पुशअप मारते रहो और बीम में ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बीम मारने से क्या होगा आपका मतलब ताकत भी बढ़ेगा और आप रसा भी चढ़ सकते हैं, क्योंकि रसा में भी आप फेल होगा ना तब आप मान की रोग भी चढ़ नहीं सकता है, मतलब क्यों आपका ताकत ही नहीं है तब आप रसा में कैसे चढ़ेगा, इसलिए रसा में ग्रिप बनाने के लिए सीख लेना, क्योंकि एक्सीलेंट में कितना मार्क रहता है, गुड में कितना, वेरी गुड मतलब एक्सीलेंट मारने के लिए देख लेना। एक्सीलेंट मारने वाला जो ऐसे पकड़ के डायरेक्ट पा हाथ पर पूरा एकदम लंबा करके मतलब ऊपर चढ़ जाता है, वही होता है एक्सीलेंट, आपको मैं दिखा दूंगा फोटो में। और गुड बा आप ऐसे किसी को आता नहीं है, वो पाव से ग्रिप बना के भी ऊपर चढ़ सकते हो, पूरा ऊपर तक जाना पड़ेगा, जब आपको बोलेगा नीचे आ जाओ तब आपको नीचे आना पड़ेगा। उसके बाद बीम का भी मैं बोल दिया हूँ, और इसमें गड्ढा नहीं था, नहीं तो आपको मैं गड्ढा भी दिखा था, 9 फीट का गड्ढा रहता है, वो तो कोई भी आदमी पास कर लेगा, किंतु सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको बीम में। बीम डेली आपको जैसे रोल कॉल में जाएगा, रोल कॉल में जाने में आपको 10-15 मिनट ग्राउंड में टाइम मिलेगा, बाय से भी जब फ्री रहेगा ग्राउंड में रहेगा तब आपको क्या है बीम लगाना चाहिए, आपको जितना हो सकता है इतना बढ़ाते रहो, क्योंकि दोस्तों बीम मारना बहुत ज़रूरी है, बीम लगाना वो आपको जो टेस्ट होगा ना फाइनल टेस्ट ना, जैसे आपको घर जाने के लिए 6 महीने में 12 वीक में, तब आपको बीम लगाना ज़रूरी है। इसलिए क्या है दोस्तों आप घबराना नहीं, आराम से पास हो जाएगा। अभी घर में कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को अभी जिम बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई हाथ पैर टूटेगा आपका ट्रेनिंग रुक जाएगा, ज्वाइनिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए दोस्तों क्या है आप अभी जिम कुछ नहीं करना है, आप आराम से रहिए, शरीर को अच्छा से रखना, क्योंकि अभी कहीं आपको क्या है फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब तक ज्वाइन करेगा तो ज्वाइनिंग होने के बाद आपका पाव व हाथ कुछ फ्रैक्चर हो गया तब भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हो सकता है आपका ट्रेनिंग लेट होगा किंतु बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को बार बार में बात है कि बहुत बोला आप सेफ रहिए अभी जब तक आप ज्वाइन ना करें दोस्तों। और ट्रेनिंग सेंटर में भी यही है, जैसे जिसी में आज ग्रुप सेंटर में मेरा इधर आपको दिखा दिया है, वो ट्रेनिंग सेंटर में भी ऐसे रहेगा, किंतु उधर ज़्यादा रहेगा क्योंकि इधर हर साल JDBT होता है, इसलिए वो इतना रखा है। ट्रेनिंग सेंटर में तो ट्रेनिंग का तो काम यही है, इसलिए पूरा लाइन बना के रखता है, बीम मारने वाला भी, रसा भी चढ़ने वाला भी। हम लोग भी जब शुरू में गया था नया तब उस टाइम हम लोग भी प्रैक्टिस किया था दोस्तों, इसलिए आप लोग भी ना रेस्ट के टाइम जरूर आप इसको मतलब क्या है प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकता है, घर भी नहीं आ पाओगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, बने।